श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 17 से लेकर 26 तक 17 to 26 10 श्लोक है आज। श्लोक पढ़ता हूँ 17वां। यह तु आत्मरति ही यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतच्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करनीय कर्तव्य नहीं होता। जो आत्मा में आनंद लेता है मतलब अपने आप में रमन करता है, अपने आप में मस्त रहता है, भगवान की सेवा में मस्त रहता है और कोई कार्य है ही नहीं। भगवान की सेवा करके अपने आप में तृप्त है, भौतिक तृप्ति की कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई डिजायर नहीं, अपने आप में संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। यस, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। मैं अब भोग परायण नहीं हूं, इंद्रिय परायण नहीं हूं, मैं अब भगवत परायण हूं। प्रभुपाल लिखते हैं, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अपने कृष्ण भावनावृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, सबके लिए हैं, परंतु जो कृष्ण भावनामृत में काम करता है वही उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है। चौथे अध्याय में बात आएगी। जो जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है आपकी, कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा करते हो, क्या क्या ड्यूटी कर रहे हो, प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा हूं। मतलब उसके लिए कृष्ण सेवा और प्रिस्क्राइब ड्यूटी दोनों सिनोनिमस हैं, दोनों का मतलब एक ही है। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसके सारे कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं, अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। भगवान के आदेश का पालन करना है बस, भगवान की सेवा करनी है बस, भगवान से प्रेम प्राप्त करना है बस, यही उसका उद्देश्य है और कुछ नहीं। ऐसा व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता, ना उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में वो आनंद मिलता। लाइफ कृष्णा बेस्ड हो गई, कृष्ण भावना भावित हो गया, उसके लिए अब कुछ भी जरूरी नहीं है और कार्य करना। वो आत्म साक्षात्कार से युक्त है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, वो संबंध को मुझे कैसे निभाना है, मुझे बंधन क्यों है, कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, और उस बंधन से बाहर कैसे निकला जाएगा। इसको ये ज्ञान होता है, इसका मतलब है अब उसने अपने बारे में पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लिया कि व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आती है श्लोक संख्या 18। नैव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यापशय। सर्वसिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण हो सकता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। स्वरूप सिद्ध मतलब जिसने अपना और भगवान का स्वरूप पहचान लिया है। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप है भगवान के नित्य दास का, जी मेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, मेरा स्वरूप है भगवान के दास का। तो मुझे फिर कृष्ण भावना भावित कार्य के सिवाय कुछ करना ही नहीं है। अब कृष्ण भावना भावित किसी की शरण नहीं ग्रहण करता भगवान के सिवाय, चाहे मनुष्य हो या देवता, वह जो भी कार्य करता है, जो भी शरण ग्रहण करता है वो भगवान की ग्रहण करता है। अब कर्म योग से जो सिद्ध है महापुरुष, जिन्होंने मतलब कर्म योग में एक्सपर्टिस कर ली है, पता है कर्म किसके लिए करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वे कर्मों से अपने लिए सुख और आराम से कोई संबंध नहीं रखते। जो कर्म करते हैं केवल भगवान के लिए करते हैं। अब आती है श्लोक संख्या 19। तस्मात असक्त है सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्ता ही अति आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है।
भगवान की प्राप्ति का साधन बता दिया। क्या साधन बताया? वन पॉइंट साधन है, एक ही कार्य है। तो कार्य क्या है कि कर्म फल में आसक्त नहीं होना, कर्म फल में आसक्ति नहीं रखनी है, और आपको अपनी ड्यूटी समझ के, जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उस ड्यूटी को समझ के निरंतर कर्तव्य करते रहना है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी रखनी है अपनी। अब प्रभुपाल लिखते हैं, परम भक्तों के लिए श्री भगवान है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति है। मतलब आप कुछ भी करें, चाहे निर्विशेषवादी हो, मतलब जो भगवान को साकार नहीं मानते हैं, सगुण नहीं मानते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं, निर्गुण मानते हैं, उनके लिए भी, और भक्त जो है उनके लिए भी मुक्ति मीन्स भगवान की प्राप्ति। मुक्ति का मतलब है भगवान की प्राप्ति। हाँ, निर्विशेषवादियों में ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं और जो भगवान के भक्त हैं भगवान तक जाते हैं, इतना अंतर है। अब जो कर्म फल में अनासक्त होता है वो अपने जीवन को निश्चित रूप से लक्ष्य की प्रगति की ओर ले जाता है। लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम में जाना, और लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। अब इसमें रूपाल लिखते हैं आगे, नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वे अच्छे या बुरे कर्म के फलों से अतीत है। कोई बुरा कार्य आप करते ही नहीं, पुण्य कार्य करते नहीं, अपने लिए करते नहीं। आप अपने लिए शास्त्र के विरुद्ध कार्य करें तो कर्म फल जो है आपका वो हो गया विकर्म, पाप फल हो गया, और अपने लिए कर्म करेंगे शास्त्र के अनुसार तो हो जाएगा पुण्य फल, अर्थात वो पुण्य का कार्य हो गया, पाप का कार्य नहीं हुआ। पर आप तो कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हो तो वो पाप फल से पुण्य फल से दोनों से परे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के में फल के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती, उसके अंदर जो है अपने संसार को भोगने की, अपने भौतिक भोगों को भोगने की, अपने दिन तृप्ति की कोई भी इच्छा नहीं रहती। वे सब समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त कहा जाता है। कर्म करता है पर भगवान के लिए करता है, फल के प्रति आसक्ति नहीं है इसलिए अनासक्त है। तो आसक्ति मतलब होता है कि आप विजातीय पदार्थ जो हैं, जो मतलब जो आपके भगवान से कनेक्टेड चीज़ें नहीं हैं उनके प्रति आपका आकर्षण है। आसक्ति का कारण है मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है ऐसा मानने से नाशवान पदार्थ जो हैं वो आपके, उनका महत्व, उनकी वैल्यू, उनकी उनकी महिमा आपके अंतःकरण पे अंकित हो जाती है, आपके अंतःकरण पे अंकित हो जाती है। इसीलिए आपकी जो है सांसारिक भोगों में आसक्ति हो जाती है। और पतन कैसे होता है? आसक्ति से होता है। पतन का मतलब यह है कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होनी पतन है। तो अब जब पतन आसक्ति से होता है और कर्म आप अपने भोग के लिए करते हो तो डेफिनेटली फॉल डाउन होगा, भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे आप। अब जो फल की कामना से कर्म किया जाता है, मतलब आपने एक नया ऋण पैदा कर दिया, एक उधार हो गया, क्या मुझे भोगना है, उधार हो गया भोगने का कि मुझे भोगना है। अभी पिछले भोग समाप्त नहीं हुए, मतलब पिछला उधार अभी समाप्त नहीं हुआ और नया आधार चढ़ गया, अर्थात नया जन्म एक और धारण करना पड़ेगा। एक भी कार्य करेंगे पाप का या पुण्य का तो अगले जन्म की तैयारी हो गई, यस आई हैव टू फेस इट। अब इसमें जो कारण है कि अपने को कर्ता समझने का कारण है, भोक्ता बनने की आशा है कि मैं भोगूंगा, मैं आनंद लूंगा, मैं मजे लूंगा, मेरा आनंद रहेगा, ये आपकी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जब आप भोग की आशा के बिना भगवान के लिए कार्य करोगे तब आप में कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा, तो मैं करने वाला हूँ, मैंने किया है, ये आपकी फीलिंग जो है समाप्त हो जाएगी, वो अभिमान खत्म हो जाएगा। अब आती है श्लोक संख्या 20, कर्मणा एव संसिद्धम आस्थिता जनक आदया लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर तुम अरसी। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों के करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से मीन्स जो कृष्ण भावना भावित भक्त है वो आम आदमी से सुपीरियर है। सामान्य जनों को, सामान्य जन आगे आएगा इसके अंदर 21वें श्लोक में आएगा कि सामान्य जन क्या है, वो जो शेष जन है उसको फॉलो करते हैं,
तो इसलिए आपको जो है कार्य करना है उनको शो करने के लिए कि देखो भाई कार्य ऐसे किया जाता है, दिस इज हाउ दिस इज टू बी परफॉर्म्ड। तो भगवान की प्राप्ति जो है कर्मों के द्वारा नहीं होती, कर्मों से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी भगवान की नहीं। रीजन, कर्म जो है वो आपकी इंद्रियों से होते हैं, इंद्रियां नाशवान है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। नाशवान इंद्रियों से मन का संबंध विच्छेद करने से होती है। भगवान की प्राप्ति कब होगी? जब आप इंद्रियों का इंद्र विषयों से संबंध विच्छेद कर देंगे, अर्थात भौतिक संसार से आप कट ऑफ हो जाएंगे और भगवान के संसार से जुड़ जाएंगे। कर्म की बिगिनिंग भी होती है, कर्म का एंड भी होता है, फल की बिगिनिंग भी होती है, फल का एंड भी होता है, पर भगवान अनंत हैं, तो कर्म से कैसे प्राप्त होंगे? तो जो कर्म हम यहाँ, कर्म का अर्थ आ रहा है सकाम कर्म, अर्थात कामना सहित किया गया कार्य, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति कब होगी? नंबर एक उत्कट अभिलाषा, उत्कट अभिलाषा। नंबर दो भगवान की कृपा। दो चीज़ों से भगवान की प्राप्ति होती है। उत्कट अभिलाषा में आप सारे कार्य करने को तैयार रहते हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, आप सारे कार्य करने के लिए तैयार रहते हो। हर तरीके से मुझे भगवान के आदेश का पालन करना है, जो कार्य करना है भगवान के लिए करना है, अर्थात सकाम कर्म नहीं करना है, विकर्म नहीं करना है, मुझे केवल अकर्म करना है। कर्म मतलब जिसका भौतिक फल ना प्राप्त हो, भगवान की सेवा करनी है, मुझे भौतिक फल की प्राप्ति नहीं चाहिए। तो यहाँ जो है प्रभु, यहाँ जो है भगवान उदाहरण दे रहे हैं जनक जी का। ये जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेद अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे, तो भी सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते थे। मीन्स यू हैव टू परफॉर्म द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को शो करने के लिए कि यस देखो भाई, हम प्रजा को शिक्षा देनी थी जनक महाराज को, उन्होंने जो है कर्तव्य पालन किस तरह किया जाता है ये उन्होंने सिखाया, ये उन्होंने गाइड किया। इस तरह हमको भी जो है भगवत भक्ति में लग के लोगों को गाइड करने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी है, और शिक्षा प्राप्त करके शिक्षा के अनुसार कार्य करना है, और कार्य होगा कृष्ण भावना भावित, केवल भगवान के प्रति, अपने प्रति नहीं। अब तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतर जना स यत प्रमाणम कुरुते लोक तत अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वे अपने अनुसरणीय कर्मों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इसे मैंने बताया कि जनक जी के हमारा उदाहरण से दिया कि जो श्रेष्ठ जन है जो कार्य करते हैं वो जनता, सामान्य जनता जो है, सामान्य जन जो है उसको फॉलो करते हैं। अगर नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता, उसको शिक्षा देनी है तो पहले खुद बंद करके दिखाना होगा। भगवान चैतन्य ने कहा है शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। अब आगे लिखते हैं प्रभुपाद, श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और आध्यात्मिक बोध के प्रथम प्रगति करने का यही साधन है कि महान व्यक्तियों के पद चिन्हों का पालन करें। गुरु जो रास्ता आप अडॉप्ट किए हुए हम भी उसी रास्ते को अडॉप्ट करें, उसी रास्ते पर चलें। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के लिए स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व तो रहता है, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधित आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। दे मस्ट बी नॉलेजफुल, उनको ज्ञान होना चाहिए कि यस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब वो क्या करना चाहिए उसको फॉलो करेंगे तो सामान्य जन भी उसको फॉलो करेंगे, दे विल फॉलो इट। अब जो मॉडर्न डे सोसाइटी के अंदर है, श्रेष्ठ कौन माना जाता है? जो धनवान हो, जिसके पास पैसा हो, वो श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं भगवान का नाम आप लाखों बार जप कर लो तो आप समाज में श्रेष्ठ नहीं माने जाते। लखपति मरेगा तो लाखों यही रह जाएगा, परंतु भक्त देह छोड़ेगा तो भगवान नाम साथ जाएगा। ये एडवांटेज है, ये क्वालिटी है,
पर सामान्य जन जो है वो सोचता है ये लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, इसको फॉलो करना चाहिए कि मैं भी अरबपति बन जाऊं, मैं भी करोड़पति बन जाऊं। ये भौतिक संसार का आज की तारीख में रूल है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? आचरण। जो वैष्णव की तरह आचरण करता है वो दूसरों को वैष्णव बनाने में गाइडेंस देता है। तो मुखिया में सबकी दृष्टि होती है, सब जो जो लीडर होता है उसमें सबकी दृष्टि होती है। गाड़ी में ट्रेवल करते हैं ना, तो बीच बीच में ध्यान ड्राइवर पे जाता है कि सो ना जाए, सो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान उस पे जाता है। मतलब उसका आचरण एसेंशियल है और ठीक होना चाहिए। ये प्रमाण है कि कार में बैठें, बस में बैठें, ट्रेन में बैठें, जो व्यक्ति है उसका आचरण ठीक से होना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब आती है श्लोक संख्या 22, बड़ा इम्पॉर्टेंट श्लोक है, सुनिएगा। ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। हे पिता पुत्र, तीनों लोगों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं निश्चित नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अगला श्लोक भी पढ़ते हैं। यदि ही अहम न वर्ते यम जातु कर्मणि अनंतता मम वर्तम अनुवर्तन ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। श्लोक संख्या 24। उत्सिदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता स्वयं उपन्याम इमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अमाचित जन समुदाय पर संकट को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो तीन श्लोक भगवान अपने बारे में कह रहे हैं कि व्हाट इज माय ड्यूटी। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इनके परपट्स में, शॉर्ट में करते हैं। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है, विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं। भगवान सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं, सबों के आराध्य हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के परम कारण हैं। अब देखिए भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, पूर्ण सत्य से ओतप्रोत है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। He's got no duties। हमने भगवान ने अपने लिए जो कर्म है स्वयं सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि उनके लिए किसी ने कर्म प्रिस्क्राइब नहीं किए, हमारे लिए कर्म प्रिस्क्राइब्ड है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए कर्म प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। हम भगवान से अनुरोध करते हैं, अर्जुन ने अनुरोध किया भगवान मेरे रथ के सारथी बन जाइए, तो भगवान सारथी बन गए। उनका कर्तव्य क्या है? भक्तों की रक्षा करना, स्वयं चूज किया हुआ उन्होंने। ब्रह्मण्यो देव की पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदन है, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष है, ब्रह्मण्यो विष्णुचुत है। भगवान भक्तों की रक्षा करने से कभी चूकते नहीं, उनका स्वयं जनरेट किया हुआ कर्म है ये, वो किसी के कहने से नहीं करते, वो उन्होंने अपने लिए स्वयं चूज किया है। राजसूय यज्ञ में उन्होंने कहा मैं ब्राह्मणों के चरण पुखारूंगा, खुद चूज किया है कि मुझे चरण पुखारने हैं। किसी ने नहीं कहा कि आप चरण पुखारिए, आपके लिए ड्यूटी है, उनके लिए नियत कर्म कोई नहीं है। उन्होंने अपना कर्तव्य जो है उसको अपने आप ही अपने लिए नियत किया है कि मुझे क्या करना चाहिए। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत है अभ्युत्थानम चर्धम से तदात्मनम सजाम्य हम परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी यज्ञ यज्ञ। मुझे जो है युग युग में धर्म की रक्षा करनी है, साधुओं का रक्षा करनी है, दुष्टों का विनाश करना है। ये भगवान ने एक अपनी ड्यूटी खुद चुनी हुई है, दीज आर माई ड्यूटीज, ये मेरी ड्यूटीज हैं, मुझे ये कार्य करने हैं। ये भगवान ने चुने हुए हैं, भगवान के सिलेक्ट किए हुए कार्य हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि
भगवान ने भगवान का अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं है, परंतु अवतार लेते हैं भक्तों के हित के लिए। अपनी ड्यूटी खुद डिसाइड, जैसे मैंने बोला दुष्टों का विनाश करना है, भक्तों का परित्राण करना है, अपनी ड्यूटी खुद डिसाइड करते हैं, भक्तों के हित के लिए अवतार लेते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं जीव के उद्धार के लिए, स्वर्ग की रचना करते हैं पुण्य फल के भुगतान के लिए, नरक और 84 लाख योनियों की रचना करते हैं पाप फल के भुगतान के लिए, और मनुष्य योनि की रचना करी है इन सबसे ऊपर उठ के उत्थान के लिए, नरक से भी और स्वर्ग से भी ऊपर उठ के उत्थान के लिए जो भूतल पर रचना करी गई है, इसलिए है कि यू हैव बीन गिवन ए चांस टू अपलिफ्ट योरसेल्फ। आप अपलिफ्ट होके मेरे धाम में आ जाओ। भगवान की जिम्मेदारियां उनकी अपनी डिसाइड करी हुई हैं, उनको किसी ने डिसाइड नहीं। हाँ, भगवान को हमने नाम दिए हैं, हमने नाम दिए हैं भगवान को, हमने नाम दिए हैं, जैसे दीनानाथ, दीन नायक, कि हम दीनहीन हो गए भौतिक कर्मों के अंदर फंस के, तो भगवान दीनानाथ हो गए हमारी रक्षा करने के लिए, दीनानाथ कहलाए। भक्त वत्सल, हम भक्त बन गए तो भगवान भक्त वत्सल हो गए। पतित पावन, हम भौतिक संसार में पतित हुए अर्थात अध्यात्म से पतित हो गए, भौतिक ऐश्वर्य के चक्कर में फंस गए, तो भगवान पतित पावन हो गए। पर ड्यूटी उन्होंने अपने आप पतित पावन खुद बनना सीखा, हमने नहीं कहा पतित पावन बन जाइए आप, उन्होंने हमारी दशा देखी और दशा देखने के बाद खुद पतित पावन हो गए, दीन नायक हो गए, भक्त वत्सल हो गए, अर्थात वो कार्य उन्होंने अपने लिए स्वयं सिलेक्ट किया है। अब भगवान कहते हैं यदि मैं नियत कर्म सावधानी पूर्वक ना करूं, केयरफुली न करूं, तो निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। अब जैसे आजकल लोग कहते हैं भगवान रास रचाते थे, गर्लफ्रेंड्स थी उनकी, हमारी होगी तो क्या दिक्कत आ गई। भगवान ने रास किया है 8 साल की आयु में, आप 8 साल की आयु में गर्लफ्रेंड्स नहीं पाले हुए हो, आप एडल्ट होकर कर रहे हो काम, गलत काम कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ जो है भगवान कह रहे हैं कि मैं जिस कार्य का पालन करता हूँ, मैं जिस पथ का अनुगमन करता हूँ, मैं जिस पथ पर चलता हूँ, साधारण जीव जो है उसी पथ पर चलता है, तो मुझे अपने पथ को सावधानी पूर्वक खुद चूज करना है, किसी ने मेरे लिए चूज नहीं करना है, आई हैव टू सेलेक्ट इट माई सेल्फ। तो यह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं, कुछ आपको आचरण करने हैं, अपने कुल के अनुसार करने हैं, समाज के अनुसार करने हैं, आपको करने हैं समाज को दिखाने के लिए कि यस दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रत्येक सभी व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो हम लोगों के लिए हैं, भगवान के लिए रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, ये मैंने आपसे पहले बताया। उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, रूल्स हैं उनको उन्होंने खुद बनाए, रूल्स खुद उसका पालन किया है। सामान्यतः व्यक्ति भी उन्हीं के पचिन्हों पर अनुसरण करते हैं, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण हैं, उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब 24वें श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। वर्ण संकर का मतलब है ब्राह्मण की विवाह अगर क्षत्रिय से हो जाता है संतान वर्ण संकर होती है, ब्राह्मण का वैश्य से हो जाता है वह संतान वर्ण संकर होती है, ब्राह्मण अगर शूद्र से शादी करता है संतान वर्ण संकर होती है, क्षत्रिय वैश्य से करता है तो संतान वर्ण संकर होती है, वैश्य शूद्र से करता है तब तो संतान वर्ण संकर होती है। मतलब वर्ण संकर समुदाय जो है अवांछित है, रिक्वायर्ड नहीं है, अपने अपने वर्ण व्यवस्था में रहना चाहिए, जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। ऐसे सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत व्यवस्थित हो जाती है। अगर आप शास्त्रों के अनुसार चलोगे, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करोगे, तो आपको शांति उपलब्ध होगी, क्योंकि उसमें जो है मिक्सचर नहीं होगा, उसमें जो है कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगे। अब केवल जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक ही है कि वैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। ही फॉलोज द प्रिंसिपल्स जस्ट टू शो अस, उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने तो बनाए हैं, पर वो कह रहे हैं कि
आपको शो करने के लिए, आपको सही मार्गदर्शन करने के लिए भगवान उनको फॉलो करते हैं। तो भगवान समस्त जीवों के पिता हैं। यदि पिता ही कार्य को फॉलो नहीं करेगा तो जीव जो है पथभ्रष्ट हो जाएगा, और जब पथभ्रष्ट होने का मतलब है उत्तरदायित्व तो भगवान का हो गया। तो भगवान गाइड करते हैं कि आप सही रास्ते पर चलिए, उसके लिए गुरु दिया है, साधु दिया है, शास्त्र दिए हैं आपको ज्ञान देने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको ठीक मार्ग पर चलाने के लिए। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत को उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, पूतना का वध करके हनुमान का अनुकरण नहीं कर सकते, यमलार्जुन का उद्धार करके भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते हैं, परंतु उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, अर्थात अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। अब हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य चंद्रमा की गतियों का वास्तव में नियंत्रित करने सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। भगवान सूर्य की गति को श्रेष्ठ नियमित करते हैं, चंद्रमा को नियमित करते हैं, तो हमें उन्हें श्रेष्ठ मानना चाहिए। उनके पास जो शक्ति है, ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शक्ति हमारे पास है नहीं, हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। हाँ, आदेशों का पालन करके अनुसरण किया जा सकता है। तो यह प्रभुपाद लिखते हैं, सबसे अच्छा यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके उनके उपदेशों का पालन करें, उपदेशों का पालन करें। दैट्स एनफ। अब आती है श्लोक संख्या 25। सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। श्लोक संख्या 26। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कार्य करते हुए तो उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावना का क्रमिक विकास हो। ग्रेजुअल प्रोग्रेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये पॉइंट है यहाँ पर। तो 25वें श्लोक में जो चर्चा हुई है, या प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति, एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनावृत में प्रोग्रेस कर रहा है, एक व्यक्ति जिसको कृष्ण भावनावृत का पता ही नहीं है, केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनावृत के विकास में सहायक ना हो, वो वही कार्य करता है भगवान की सेवा, अर्थात कृष्ण भावनावृत में आगे बढ़े। परंतु जो अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है तो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। जिसका भौतिक कार्यों में आसक्ति है, भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है, जब दूसरा केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक व्यक्ति अपनी तुष्टि के लिए कार्य करता है, दूसरा व्यक्ति कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है। भक्तों की जो कृष्ण भावना भावित में प्रोग्रेशन कर रहे हैं, प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने आचरण से दूसरों को दिखाना चाहिए कि किस तरह से कृष्ण भावना भावित हुआ जा सकता है। अब अगले श्लोक में कहते हैं प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, वेदेश सर्वे अहम वेद्या। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य, वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारे वस्तुएं कृष्ण को जानने के नियमित हैं। यू हैव टू नो कृष्णा, यू हैव टू फॉलो कृष्णा, यू हैव टू अचीव कृष्णा, और हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, अतः वेदों का अध्ययन भी इंद्र तृप्ति की दृष्टि से ही करते हैं। पहले 80,000 श्लोकों में उलझ के रह जाते हैं कि यस कौन सा कर्म कांड करने से किस तरह से हमको अपने इंद्र तृप्ति के लिए, सुख भोग के लिए वस्तुएं प्राप्त हो सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ के
आहिस्ता 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 कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए, नहीं तो क्या टूट जाएंगे वो। लेट देम प्रोग्रेस ग्रेजुअली, होले होले होले, एक माला करते हो चलो दो करने शुरू कर दो, अच्छा अब चार करने शुरू कर दो, अच्छा अब छः करने शुरू कर दो, अब आठ करने शुरू कर दो। अगर पहले दिन आपने कहा 16 माला कर दो तो घबरा जाएगा वो, भाग जाएगा, भाग जाएगा, उसका इंटरेस्ट तो है नहीं, अब जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ। 16 माला का नियम बनाया प्रभु ने, बट ठीक है, पर आपको उसे ग्रेजुअली प्रोग्रेशन देना, एक माला से 16 माला में लेके आना। एक व्यक्ति मांस खाता है, अंडा खाता है, मीट खाता है, मच्छी खाता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तम्बाकू खाता है, गुटखा खाता है, वो एक दिन में बंद नहीं करा सकते। एक चीज़ छोड़ो, अरे कम कर दे भाई, थोड़ा कम कर ले, और बंद कर देना, क्या फ़र्क पड़ता है। चल उसने गुटखा बंद कर दिया, फिर शराब कम कराई, शराब बंद करा दी, फिर मांस अंडा मुर्गा मच्छी बंद कराई, वो बंद करा दी, फिर हौले हौले प्याज लहसुन बंद कराया, तो 4 महीने में 6 महीने में साल भर में उसको गाइडेंस भी दिया, उसको ज्ञान भी दिया, भगवद्गीता ज्ञान दिया, भागवत का ज्ञान दिया, आस्ता आस्ता ज्ञान देते देते उसको आगे बढ़ाया, और फिर वो जो है ऑटोमेटिकली भक्त बनने की स्थिति में आ गया। अब वो भगवान के लिए कार्य करना शुरू कर देगा, बहुत ही संसार के प्रति आसक्ति उसकी दिन ब दिन कम होती चली जाएगी। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि उसे सारे कर्मफल को कृष्ण को सेवा में समर्पित किया जा सकता है, ये सिखाना है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्र वृत्ति के लिए कार्य करने वाले अज्ञानी पुरुष से सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए। पहले सीखना है उन्हें, फॉलो बाद में करना है, पहले सीखना है, सीखेगा उसके बाद फॉलो करेगा, और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच मात्र में कृष्ण भावना भावित है तो वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। वो डिपेंड करता है हरेक के पूर्व जन्म की सुकृतियाँ, सुकृतियाँ हैं तो एकदम लग जाएगा। अभी मेरे से कल एक भक्त मिले, वृंदावन में है वो, ये बात है रामनवमी वाले दिन की, वृंदावन में है, वृंदावन में बैठे थे, तो कहते मैं जुहू से हूँ, पहले मैं जुहू में था और मेरे माता पिता भी अभी वृंदावन में शिफ्ट कर गए, तो मेरा एक मित्र है जो मेरे साथ एक बार, मैं उसको पहली बार पंजाबी बाग टेम्पल लेके आया, वो कभी टेम्पल नहीं आता था, कभी भगवद गीता नहीं सुनी थी, भागवत नहीं सुनी थी, कहता है कि मैं उसको पंजाबी बाग लेके आया, मैंने कहा चल दर्शन करने चलते हैं, तो कथा सुन लेंगे, प्रसाद पा लेंगे। तो उसको मैं पहली बार लेके आया, कहता मेरे साथ वो MBA का, वो वक्त जो मिला मेरे को वो MBA था, वृंदावन में रहता आजकल फुल टाइम, और MBA था MIT यूनिवर्सिटी से, कहता ये भक्ति ये लड़का भी मेरे साथ MBA में था, तो मैं उसको लेके आ गया, कहता आपका लेक्चर चल रहा था, एक घंटा पौना घंटा जो आपका लेक्चर हुआ भागवत के ऊपर, आपने जो बातें बताई सिंपल सिंपल भाषा में, उससे वो लड़का अट्रैक्ट हो गया है कि आज एक साल में वो भक्त बन गया, इस बिकम ए डिवोटी। मतलब जो जो चीज़ें सुनता है वो सीधे भगवान की सेवा में लग गया, मतलब उसमें परिवर्तन आ गया। और ऐसे मेरे को बहुत सारे लोग मिले हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त मिले हैं जो ये कहते हैं कि हमने पहला लेक्चर आपका सुना था, उसके बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, हम तो बदल गए। बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सिंपल भाषा में जब बातें बताई जाती हैं और सिंपल सिंपल भाषा में प्रोग्रेशन बताया जाता है, जोर जबरदस्ती नहीं करी जाती है, तो लोगों में हौले 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 अट्रैक्शन जागृत होता है। अब देखिए कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, हत्या करने के लिए, लोगों को मारने के लिए। भगवान सारथी बन गए, सावधानी पूर्वक कार्य किया है। द्रौपदी उत्तरा की रक्षा करिए, उन्होंने अपनी ड्यूटी खुद डिसाइड करी है, किसी ने उनके लिए कार्य डिसाइड नहीं किया है। अब श्रेष्ठ पुरुष कौन है, कि भोगी की भोगों में, मोही की कुटुंब में, लोभी की धन में, और श्रेष्ठ पुरुष की भगवान की सेवा में आकर्षण रहता है, ये फर्क है। जो भोगने वाला है उसका भोगों में आकर्षण है, जो कुटुंब के प्रति आकर्षित है उसका मोह है, और जो धन के लोभ में है वो लोभी है, परंतु जो श्रेष्ठ व्यक्ति है भगवान की सेवा में आकर्षित रहता है। तो आज इतना ही, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत अच्छा लगता बाबू जी, बहुत अच्छा लेक्चर था।
वो जो भी आपने कहा जो धन धन में लगा वो लोभी है, जो कुटुंब में लगा वो मोह है, वो लगा तो हम तो धन के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं और मोह में भी रहते हैं, हमारी कौन सी वो है फिर, इसका मतलब हम क्या हुए? देखिए आप अगर भोगों में आकर्षित हैं तो भोगी भी हैं, अगर आप कुटुंब के प्रति मोह में हैं तो मोही भी हैं, लोभी के लिए है धन की लोभ है तो लोभी भी हैं, परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति भगवान की सेवा में है। अब उसको समझिए, उस पॉइंट को समझिए, मैं फिर बताता हूँ दोबारा। आपके मन के अंदर से इंद्रिय भोगों का आकर्षण हौले 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 समाप्त हो गया, तो आप भोगी की स्थिति को छोड़ गए, छोड़ दिया आपने उसको ग्रेजुअली, नॉट एकदम। कोई चीज आपको इंद्र तृप्ति के लिए आकर्षित करती है, नहीं नहीं बेकार है क्या, आपको फायदा क्या है, भगवान की सेवा करते हैं, अपना मन तुरंत चेंज कर लिया, उसके प्रति आकर्षण नहीं हुआ। भगवान दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कहते हैं, 70वें श्लोक में कहते हैं कि जैसे समुद्र के अंदर नदियों का प्रवाह निरंतर रहता है, उस तरह मनुष्य में इच्छाओं का प्रवाह निरंतर रहता है, परंतु जो जो स्थित प्रज्ञ होता है इच्छाओं को तुष्ट करने का प्रयास नहीं करता। आप में भोगों की इच्छा हुई है परंतु आप उस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास नहीं करते, तो आप भोगी की भोगों से आप बाहर निकल गए होले होले। अब दूसरी बात, कुटुंब के प्रति आपका आकर्षण है, आकर्षण यह है कि आपने कुटुंब की सेवा करने के लिए कुटुंब के प्रति मोह के अंदर भगवान को भुला दिया, वो गलत है। भगवान की सेवा करते रहेंगे, परिवार में आपको परिवार में सुख है दुख है लोकाचार है, ये आपको करना है। पत्नी बीमार हो जाएगी, इसके तो भाग्य में था, मरीज मरे मैं क्या करूँ, मैं तो अपना माला जप रहा हूँ, नहीं। लोग प्रभुपाद लिखते हैं लोकाचार है कि आप परिवार में रहते हो, परिवार की केयर लेनी, परिवार की रक्षा करनी आपकी जिम्मेदारी है, आपका आचरण है या आपका नियत कर्तव्य है, आपको करना है, परंतु केवल परिवार में लिप्त हो जाना नहीं है, लिप्त भगवान में होना है। पर भगवान संसार में 5वां अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ेंगे तो चर्चा आएगी, जैसे कमल जो है कीचड़ में रहता है पर कीचड़ से अलिप्त होता है, इस तरह भौतिक संसार में परिवार में रह के संसार में रह के भौतिक सृष्टि में रह के भौतिक सृष्टि से लिप्त नहीं होना है, तो आप जो है मोही नहीं रहेंगे। जिम्मेदारियां निभा रहे हैं ठीक है, पर उसमें मस्त नहीं है, लिप्त नहीं है, और कुछ है समझ में नहीं आ रहा बात ना। भगवान की सेवा मुख्य है और परिवार की सेवा द्वितीय है, परिवार की सेवा भी करनी है, उनको भी देखभाल करनी है। लोभी की धन में, धन का लोभ आपको दो तरीके से है, दो जगह यूज होता है। मुझे धन चाहिए, मुझे भगवान को मंदिर में मुकुट अर्पित करना है, मुझे धन चाहिए, मुझे मंदिर में जाके भगवान भंडारा करना है, मुझे धन चाहिए, मुझे प्रचार कार्य में सहयोग करना है, आई वॉन्ट सम मनी कि मैं उसको जो है धन को प्रयोग कर सकूं भगवान की सेवा में। दूसरा है धन का लोभ, धन का लोभ किस लिए है, क्लब जाना है, मॉल जाना है, किटी पार्टी जानी है, ऐशो आराम पे जाना है, सैर सपाटे में जाना है, घूमने फिरने जाना है, मुझे धन चाहिए, मुझे मुझे धाम जाना है दर्शन करने के लिए, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे मायापुर जाना है, मुझे धन की लालसा है, मुझे धन की इच्छा। तो ये धन का लोभ कब होगा, जब आप भौतिक संसार को भोगने के प्रति धन की प्राप्ति करेंगे तब लोभ है। मेरे को लोभ है किस लिए, कि मेरे को लोभ है भगवान की सेवा में लगना है, मुझे उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है, अगरबत्ती खरीदनी है, घी खरीदना है दिए दीपक जलाने के लिए, फूल माला खरीदनी है, फूल खरीदने भगवान को अर्पित करने के लिए, तो वो धन का लोभ उचित है। तो इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुष है वो इन तीनों के अंदर जब लोभ छूट जाता है, जब उसका कंसर्न खत्म हो जाता है, परिवार से रह के परिवार से कनेक्टेड नहीं है, भोगों में रह के भोगों से कनेक्टेड नहीं है, और धन के लोभ करते हुए धन से कनेक्टेड नहीं है, मतलब जो भी आएगा सब भगवान की सेवा के लिए है, मेरे को वहाँ रहता है, तब वो श्रेष्ठ पुरुष है, तब वो श्रेष्ठ है कि यस अब उसकी भगवान की सेवा में आ सकती है। ठीक है कि नहीं? धन्यवाद बाबू जी, बहुत बिल्कुल ये सत्य जो बोला, ऐसा ही मन ऐसा ही हो रहा है, ऐसी चाहत हुआ है बाबू जी। आपके आपको ज्ञान बहुत है, आपको इतना हमारी मेमोरी इतनी नहीं है, इतना शार्प, इतनी चीजें याद नहीं रख पाते, या कितने सुनते सुनते कितना समय हो गया फिर भी इतना गाइड नहीं कर पाते लोग। उसके देखिए उसके दो कारण है, उसके दो कारण है। नंबर एक कि आपने एम निर्धारित नहीं किया। बच्चे को एम होता है, उसने IIT में जाना है, तो सब्जेक्ट को बार बार पढ़ता है, बार बार समझता है,
बार बार सुनता है और बार बार प्रैक्टिस करता है, नोट्स बनाता है, तब उसको जो है IIT में जाके एडमिशन मिलता है, मेडिकल में एडमिशन मिलता है, MBA में एडमिशन मिलता है, वो इस प्रैक्टिस रेगुलरली। हमें क्यों है, हमने दो कार्य किए हैं, एक के सब्जेक्ट को बार बार पढ़ा है, भगवद गीता को 100 बार से ज़्यादा पढ़ा है, आज भी लेक्चर देने से पहले पढ़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, भगवद गीता के नोट्स बनाए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट लाइन्स के अंडरलाइन कर रखी हैं, नोट्स बना रखे हैं कि इस पर्पट में ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये कॉमन है, बार बार हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये लाइन जो है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, उस लाइन को डिस्कस करना है, नंबर दो। अब आती है नंबर तीन, कि लक्ष्य है कि मुझे लोगों को टीच करना है, मुझे लोगों को पढ़ाना है, लक्ष्य निर्धारित हो गया। जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, आपका इंटरेस्ट जागृत नहीं होगा। सुन लिया, यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बात खत्म हो गई, सुनने बैठ गए बस, चलो जी बात खत्म हो गई। भगवान की सेवा में लगना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आज से कोई 12 साल 11-12 साल पहले की बात है, 12 साल हो गए होंगे, मैं गुरु महाराज के पास बैठा हुआ था। तो पहले मैं पंजाबी बाग मंदिर देखा करता था, मैं फेस्टिवल कमेटी का चेयरमैन था दिल्ली टेंपल में, ईस्ट ऑफ कैलाश में। मैंने उस कमेटी के अंदर 40 लोग जोड़े। उसके बाद महाराज ने मेरे से कहा कि तुम पंजाबी बाग टेंपल जाओ, वहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा इसको और इम्प्रूवमेंट चाहिए, नई बिल्डिंग बनानी है, पैसे इकट्ठे करने वगैरह वगैरह वगैरह, तो यू गो ओवर देयर एंड टेक केयर। तो हमने एक भक्त को साथ लिया पंजाबी बाग टेंपल के, 2 साल हमने मैनेज किया। 2 साल में हमने पंजाबी बाग टेंपल में बहुत सारी चीज़ें बदली और फिर बहादुरगढ़ के टेंपल की बिल्डिंग खरीद ली, पैसा इकट्ठा किया और बहादुरगढ़ की बिल्डिंग को खरीद लिया। 2 साल के बाद महाराज ने मुझसे कहा यू गो टू गुड़गांव, तुम गुड़गांव जाके प्रचार करो, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ भक्त एक हैं, भक्त डिमांड कर रहे हैं, तुम वहाँ जाओ और यहाँ का कार्य तो होता रहेगा, प्लस बाकी जगह प्रचार करो, अपना कार्य भी करते रहो, प्रचार भी करते रहो, प्रचार करिए। मैं गुड़गांव चला गया, गुड़गांव में आधार जो है प्रचार का, प्रीचिंग का मैंने रखा, छोड़ दिया मैंने ईस्ट ऑफ कैलाश फेस्टिवल चेयरमैनशिप, छोड़ दिया मैंने पंजाबी बाग का मैनेजमेंट, छोड़ दिया मैंने गुड़गांव, सब छोड़ दिए। जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ चले गए, अपना कार्य कर रहे हैं। महाराज ने कहा ऐसे करो, अच्छा जी कर रहे हैं, ठीक है डन। अब मुझे महाराज ने कहा कि भाई ऐसा है कि भक्तों के बच्चों को शादी करने में समस्या आ रही है, तो यू आर द सीनियर ग्रस्त, तुम दो, तुम्हारी पत्नी दोनों सीनियर ग्रस्त हो, और हमसे सीनियर ग्रस्त और कोई एक आधी फैमिली थी बस, और कोई था नहीं, और तुम एजुकेटेड हो, डॉक्टर हो, तुम्हारी पत्नी भी डॉक्टर हैं, तो तुम जो है लोगों को गाइड करो और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिससे कि लोग जो है शादी विवाह भक्तों की भक्तों के साथ हो सके। तो मैंने अब उसके लिए धन चाहिए, मैंने एक वेबसाइट बनाने का प्लान किया। तो मैंने वेबसाइट के लिए लोगों से रिक्वेस्ट किया, किसी ने 2,000 दिए, किसी ने 4,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 1,000 दिया, किसी ने 500 दिए, पैसा कलेक्ट करें। हमने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी, वेबसाइट चलने लग गई, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करी, 300 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई उसके अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड से, हिंदुस्तान से तो हुई हुई, ऑल ओवर वर्ल्ड से हुई। उसके बाद लोगों की शादियाँ भी हुई, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद क्योंकि फ्री साइट थी, कोई पैसा उसमें खर्च नहीं हो रहा था किसी का, तो किसी ने उसमें गलत सलत औरतों की फ़ोटो डाल दी, तो हमने उसके बाद जो है वेबसाइट को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया। फिर मेरे हेल्थ इश्यूज आ गए, वेबसाइट बंद हो गई, मैं उसके बाद नहीं कर पाया काम। अब फिर अभी मैंने वेबसाइट के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, फिर दोबारा से वेबसाइट बनवा रहा हूँ। अब वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी और महीना भर लग जाएगा। अब उसके लिए फिर फंड्स चाहिए, फिर मैंने रिक्वेस्ट लगाई कि जो जो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है, प्रचार का कार्य है, सेवा है ये, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो भी कंट्रीब्यूट करेगा उसका नाम जो है वेबसाइट में लिखा आएगा कि यस इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये हम कार्य कर रहे हैं सामान्य जनों को प्रशिक्षित करने के लिए, भगवान के कार्य के लिए। अगर हम लोगों से हमें 4 पैसे मिलेंगे तो अपने भोग के लिए नहीं है, वो भगवान की सेवा के लिए है। उन्हीं की सेवा के लिए कलेक्शन होगी, उन्हीं की सेवा में खर्च होगी, भगवान के भक्तों की सेवा में खर्च होगी, जो भगवान की सेवा के समान है। तो ये आपको एंगल देखना पड़ेगा, ये आपको विचार करना पड़ेगा कि आपने करना क्या है, क्या नहीं करना है।
कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आपको भोग परायण नहीं होना है, आपको मोह परायण नहीं होना है, आपको लोभ परायण नहीं होना है, आपको भगवत परायण होना है। बस जो कार्य हो भगवान की सेवा के लिए हो। दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस कीर्ति प्रभु बोलिए। प्रभु जी मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अपने नित्य कर्म को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, मतलब भगवान की ओर सेवा में कैसे लगाएं। भाई हम लोग मंगला आरती कर रहे हैं, जो हम लोगों को जो परंपरा में मिला मंगला आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, गुरु पूजा कर रहे हैं, इसके अलावा नित्य कर्म हमारे कैसे और ठीक हो सकते हैं प्रभु जी। नहीं पहले तो ये सोचो नित्य कर्म में गलती कहाँ है, तभी तो ठीक करोगे। नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ प्रभु जी, ऐसा तो मतलब अपनी तरफ से तो कोई गलती करने की कोशिश नहीं करते। फिर ठीक क्या करना चाहते हो, तो अपनी तरफ से गलती नहीं करते हो फिर ठीक क्या करना चाहते हो ये बताओ। ठीक नहीं मैं कह रहा हूँ नित्य कर्म और मतलब कैसे और अच्छे नित्य कर्म हो जाए हमारे से। नित्य कर्म देखिए भक्ति की 9 विधियां हैं, उनमें देखो क्या क्या चीज का पालन कर सकते हो। श्रवण करना आपके नित्य कर्म में शामिल है, सुनना है। मंदिर जाके नहीं सुन सकते हैं तो ऑनलाइन सुनिए, टाइम निकालिए कि मुझे ऑनलाइन सुनना है। कीर्तन करना, जप करना है, भगवान की लीला का वर्णन करना है, वर्णन सुनना है, वर्णन करना है। तो आपका श्रवणम कीर्तनम हो गया। हर कार्य भगवान को स्मरण करते हुए करना है, तो स्मरण हो गया ठीक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। घर में जो मंदिर बनाया हुआ है उसकी सेवा करनी है, बाहर जो मंदिर है उसकी सेवा करनी है, जितना कर सकते हैं जो हमारी पॉसिबिलिटी है टाइम के अनुसार। 2-3 चीजें देखी जाती हैं, समय धन और सेहत। 3 चीजों के अनुसार जो भी मैं कार्य कर सकता हूँ मैं वो कार्य करूँगा। उसके बाद अर्चनम वंदनम, अर्चना कर रहा हूँ आरतियाँ कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ कीर्तन कर रहा हूँ, भगवान की वंदना हो रही है। अर्चनम वंदनम दास्यम, जो कार्य कर रहा हूँ अपने को भगवान का सेवक समझ कर रहा हूँ, परिवार के लिए भी कर रहा हूँ तो परिवार भी भगवान ने दिया है मुझे, उसकी सेवा करनी है जो जरूरी है आवश्यक है। अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, तो भगवान के सखा का रूप मेरे पास क्या है कि भगवान अपने मित्र को फॉलो करना है, उनके पदचिन्हों पर चलना है, उनका अनुसरण करना है, और आत्मनिवेदनम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना है। किसी का ना म्यूट करिए प्रभु सबको। तो इसमें जो जो चीज में हमें कमी दिखाई देती है वो हम करेंगे, पर 2-3 चीजें मैंने देखी, एक सेहत देखनी है, एक धन की जीवन यापन का कार्य करना है, पैसा कमाना है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, बिजनेस जाना है, शॉप पे जाना है, उसको भी देखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेहत देख ली है, समय देख लिया है मेरे पास कितना समय बचता है, कैसे मैं समय को एडजस्ट करूं, और रिसोर्सेज देखने हैं मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, मुझे उसके अनुसार कार्य करना है। तो ये सब चीज़ें जो है इनको अंडरस्टैंड करना है, इनको कार्य करना है इसके ऊपर। और बताइए जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस बोलिए प्रभु जी। ये मुझे अभी लास्ट नवंबर से मैंने इस्कॉन में जाना स्टार्ट किया है, तो इस्कॉन के जैसे कई गुरु महाराज हैं, एक दो का जैसे हम यहाँ मंदिर जाते हैं मंदिर वालों के अलग गुरु महाराज हैं, एक कुछ और मेरा ऑनलाइन ग्रुप है वो किसी और गुरु महाराज को मानते हैं, तो मेरा अभी मन नहीं कहीं पे भी टिक रहा किसी गुरु महाराज के लिए। वो क्लासेस में हमेशा बोलते हैं गुरु होने चाहिए, भगवान की सेवा से बेटर है भगवान के भक्तों की सेवा करो उसका फल ज्यादा मिलता है, पर किसी भी गुरु महाराज की तरफ मेरा मन अभी नहीं टिक रहा है। मैं जब उनके प्रवचन सुनती हूँ ऑनलाइन भी किसी गुरु महाराज के, तो मुझे वो फील नहीं आता, वो भाव नहीं आता कि हाँ ये मेरे गुरु होंगे। वो चीज मुझे ऐसे लगता है कि बिना किसी गुरु के क्या मैं ऐसे ही लटक रही हूँ।
कहाँ से बोल रही हो? पानीपत से प्रभु जी। पानीपत से। एक बड़े सीनियर गुरु हैं प्रभुपाद के, पहले डिसाइपल्स में हैं, मुकुंद स्वामी। वो अमेरिका में है। मेरे पास इंटरनेट पे मेरे पास 6,000 से ज्यादा लोग हैं। इंटरनेट पे मेरे पास मैसेज आया एक लेडी का, ब्राजील से, ब्राजील से, कि मैं मुकुंद स्वामी से दीक्षा लेना चाहती हूँ, मेरा उनसे कांटेक्ट कैसे बनेगा? जब तक आपका गुरु के साथ जो है कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक आप जो है सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। तो मैं उस मुकुंद स्वामी से जो है दीक्षा, मतलब उनसे मिलना चाहती हूँ, दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो मैंने वो लेटर जो है एज इट इज मुकुंद स्वामी के पास भेज दिया, मुकुंद महाराज के पास भेज दिया। मेरे को जवाब आया कि ही इज माई सीनियर डिसाइपल, आस्क हर टू मेक कॉन्टेक्ट विद हिम, ही विल गाइड वट शुड बी डन एंड वट शुड नॉट बी डन। ये उनका उत्तर था। दो लाइन में उन्होंने उत्तर दे के बात खत्म कर दी। उस जो सीनियर डिसाइपल थे उनको मैंने वो मेल फॉरवर्ड कर दी, ये महाराज के लिए मेल है। अब ब्राजील से लेके और उस अमेरिका तक 1,500 या 2,000 किलोमीटर का डिफरेंस था। कांटेक्ट तो हो नहीं सकता था, मुलाकात हो नहीं सकती थी, परेशानी थी। 100 मील भी हो तभी बड़ा मुश्किल है, 50 किलोमीटर हो तभी बड़ा मुश्किल है। अब उन्होंने जो है मेरे को उत्तर दिया कि आप देखिएगा कि उस जहाँ वो रहती हैं वहाँ पर डिसाइपल कोई है क्या मुकुंद स्वामी का? नहीं मिला, कोई नहीं मिला उनको, नहीं किसी ने गाइड नहीं किया, कोई नहीं है। किसके डिसाइपल हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो है डिसाइपल इनके हैं। एक गुरु का नाम लिया, कहते यू स्टार्ट एसोसिएटिंग विद देम, एसोसिएट करो, मिलो, मिलना जरूरी है। 108 से ज्यादा गुरु हैं, अब हरे का लेक्चर सुनोगे आकर्षित हो जाओगे, किससे मिलोगे? किसी नहीं। वहां गुरु धारण करो जिसके डिसाइपल से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपको साथ दे सकते हैं। अब एक रोहिणी टेम्पल में एक भक्त है राधा रमन प्रभु, वो डिसाइपल हैं इंद्रदुम्न महाराज के, और इंद्रदुम्न महाराज जो हैं वो उनके साथ उन्होंने दीक्षा ली थी रशिया में, जब वो रशिया में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने दीक्षा ले ली उनसे, आकर्षित होके अब वो इंडिया में अपने घर आ गए। घर में आने के बाद अब इंसिडेंटली मैं आपको एक पर्सनल बात बता रहा हूँ, वो एक दिन मेरे से पहली बार मिले, मेरा नाम पता लगा उन्हें, कर्मी नाम पता लगा, तो मेरे पैर पकड़ने लगे। मैंने कहा आधार, मैं उनका नाम नहीं जानता था, मैंने प्रभु जी आपका नाम क्या है? उन्होंने नाम बताया, तो मैंने कहा भाई अब भाई ऐसा, मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, बड़ा भारी विद्वान नहीं हूँ, मेरे पैर मत पकड़िएगा। कहता नहीं प्रभु जी, मैंने आपके पैर दो कारण से पकड़े, दो कारण से। मैंने कारण बताइए। कहता पहला कारण यह है कि हम पाकिस्तान से आए हैं, आप भी पाकिस्तान से आए हो, आप उस गोसाई फैमिली को बिलोंग करते हो जो हमारे गुरु थे। मेरे पुरखे जो हैं उनके पास गुरुपद था पाकिस्तान में, बद्दों की गोसाइयाँ, गुरुपद था उसके अंदर, तो आप उस फैमिली को बिलोंग करते हो, इसलिए आप मेरे पारिवारिक गुरु हो। दूसरा, आप एक सीनियर डिवोटी हो, सीनियर भक्त हो, इसलिए मैं आपके चरण पकड़ रहा हूँ, तो आप मुझे गाइड करिए। अब उसके बाद से वो जो है लगातार मेरे टच में है, और रोहिणी टेम्पल में है, और सारे मोस्टली वहाँ पे डिसाइपल 90% गोपाल कृष्ण महाराज के हैं, तो बोले उन्हीं के संग में रहते हैं वो। अब इंद्रदुम स्वामी का एक भी शिष्य नहीं है इस एरिया में, एक भी। और वो क्या करते, मजबूरी में उनको जो है अपने दूसरे गुरु के शिष्यों के साथ संग करना पड़ रहा, पर संग करने से खुश हैं वो, इसलिए ग्रुप बहुत है। व्हाट्सएप में हर एक गुरु के शिष्य ने अपना ग्रुप बना रखा, आपको अच्छा लगता है फॉलो करो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको अच्छा लगता है शिष्यता स्वीकार करनी, पर देखो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई और शिष्य है क्या उनका, जो आपसे रोज़ एसोसिएट कर सके, आप उसके घर जा सको बिना बेहिचक होके, वो आपके घर आ सके बेहिचक होके, आप अपनी मामा के घर जा सकते हो बेहिचक होके, अपनी सहेली के मामा के घर नहीं जा सकते,
अब अपने चाचा के घर जा सकते हो बेहिचक होके, सहेली के चाचा के घर नहीं जा सकते, उसका चाचा अलग अपने घर जाएगी, आपका अपना साईं चाचा अलग अपने घर जाएगी। तो जब वो गुरु को हम पिता के समान मानते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे आसपास जो है जितने मंदिर हैं, हम जितने सब हैं, सब कुछ मुख्यतः शिष्य किसके हैं, औरों के भी हैं, ये डाउट नहीं औरों के नहीं है, परंतु अपने गुरु के शिष्य जो हैं आप कदम उठाओगे तो मिल जाएगा, दूसरों का ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हम ज़्यादा ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ते। दूसरी बात, आपको शिक्षा गुरु चुनना है और दीक्षा गुरु चुनना है। शिक्षा गुरु आपको वो होना चाहिए जो आपको टाइम दे सके बात करने के लिए, नंबर एक, जो आपको साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में भक्ति का मूल समझा सके, भगवद गीता समझा सके, भागवत समझा सके सिंपल भाषा में, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। आपका संग नहीं हो रहा है, समझाने वाला कोई है नहीं, ज़्यादा कर नहीं पा रहे हो, आकर्षण तो मेरे पास इंटरनेट के ऊपर कम से कम 108 गुरुओं के लेक्चर्स हैं इस्कॉन में, और इस्कॉन के बाहर कम से कम 1000 गुरुओं के लेक्चर हैं, जो जो संस्था देखो वही लेक्चर दे रही है, यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो सबको तो नहीं देख सकता ना, मैं सिर्फ एक को फॉलो करता हूँ भाई, जिसके लेक्चर मुझे समझ में आ जाए, मैं दूसरों की तरफ देखता ही नहीं। और उस एक लेक्चर को, मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हम जनकपुरी में प्रोग्राम करते थे 97 में, उन्होंने आना शुरू किया, जनकपुरी में रहते हैं वो, आना शुरू किया, हमने भी इनवाइट किया क्योंकि डॉक्टर कम्युनिटी से मैं हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, वो भी डॉक्टर है, वो कवि हैं, बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं, बहुत सुंदर कविता लिखते हैं, आना शुरू किया रेगुलरली, उनकी वाइफ नहीं आई, वो आए खुद, आते 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 उनमें परिवर्तन आया। तो उन दिनों हम जो है रिकॉर्डिंग कैसेट पे किया करते थे, तब ये सीडी नहीं थी, तब ये डीवीडी भी नहीं थी, तब ये वीडियो भी नहीं थे, तब ये कुछ मतलब सिस्टम नहीं था, और पेन ड्राइव भी नहीं थी, उन दिनों सिर्फ कैसेट हुआ करते थे, 97 की बात है। तो मुझसे कहने लगे प्रभु जी अपने कुछ लेक्चर्स के मुझे कैसेट दे दीजिएगा, तो मैंने उन्हें 3-4 लेक्चर के कैसेट्स दे दिए, कॉपी करके दे दिए। 6 महीने बीत गए, आते रहे सुनते रहे, आते रहे सुनते रहे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कपिल प्रभु आप लेक्चर सुन भी रहे हो, वीडियो मतलब कैसेट तो ले गए थे, कभी आपने सुना भी है कि ऐसे ही घर जाके रख दिया? कहते प्रभु जी चलिए मेरे साथ, मुझे अपनी गाड़ी में ले गए, चारों कैसेट गाड़ी में रखे हुए थे, एक कैसेट लगा हुआ था, स्टार्ट कर दी गाड़ी, कैसेट ऑन कर दिया, मुझे सुनाया अब आप रुकेंगे। मैं देखा लेक्चर में मैं 1 से 2 सेकंड के लिए रुका था, फिर मैंने कुछ बोला अब फिर आप रुकेंगे, वो मुझे ना बैठे बैठे बता रहा है। तो मैंने कहा ये आपने कैसे कैसे जान सकते हो कि मैं रुकूंगा? कहते हैं कि चारों कैसेट जो है मेरे 6 महीने से गाड़ी में लगातार, जहाँ भी जाता हूँ, मैं 5-6 हॉस्पिटल विजिट करता हूँ, तो गाड़ी में जब भी बैठता हूँ मेरा कैसेट ऑन रहता है, तो मुझे याद हो गया है, जैसे कि आदमी सड़क पर चलता है पता है यहाँ स्पीड ब्रेकर आएगा या खड्डा आएगा, उसको याद रहता है, गाड़ी चलाते हुए उसने याद किया नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मेमोरी में आ गया है, तो वहाँ पहुँच के वो स्पीड कम कर लेता है, साइड कर देता है। कहता इसी तरह मुझे जो है ये पूरा ध्यान है कि आप कहाँ पे सांस आपने लिया है, कहाँ पे आप रुके हो, कहाँ पे क्या है। और अब उसने भगवद गीता को हिंदी में कविता में रूप में ट्रांसलेट किया है। मैं कभी अपनी बुक नीचे ला के रखूँगा, कभी आपको सुनाऊँगा उसकी 2-4-10 लाइनें, आप सुनिएगा, और पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, समझ में एकदम भगवद गीता समझ में आनी शुरू हो जाती है। यस, बहुत बढ़िया उसने कविता लिखी है भगवद गीता के ऊपर, बहुत उस पूरे श्लोक का जिस्ट दिया है उसने उस कविता के अंदर, जिस्ट पूरे श्लोक का। तो डिपेंड करता है कि वो आज भी मेरी क्लास में आते हैं कभी कभी, जब फ्री होते हैं तो रात को 8:30 से 9:30 वाली में कभी कभी आ जाता। एक मेरे बैचमेट है, मेरे क्लास फेलो है अमेरिका में, वो सवेरे की भागवतम क्लास में आ जाते हैं कभी कभी, ही कम्स अमेरिका से, बहुत सोने का टाइम होता है, 9:30-9 बजे होते हैं रात के, तो वो अपना सवेरे 8 से 9 भागवतम होती है, वो रात को वहाँ पे 7-8 बजे होते हैं उसमें क्लास में आ जाते हैं। वो भी कहते हैं कि मुझे भी एसोसिएट करना है किससे, जिसके से मैं आराम से सीख सकूं। तो बोलने वाले आपको बहुत मिलेंगे, ग्रुप्स बहुत मिलेंगे, आप भी ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हो अट्रैक्शन में आके, फिर वो ग्रुप्स वाले अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, जिसकी बात समझ में आए उसको फॉलो करो,
जिसके शिष्य ज्यादा हो उसको फॉलो करो, बस। बाकी आपकी अपनी इच्छा, स्वतंत्र आत्मा है, इंडिपेंडेंट सोल है, जैसे मर्जी करे, जैसे मर्जी चले, एग्री, नो प्रॉब्लम। और बताइए, और कोई है? यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकता है, वैसे टाइम तो हो गया है, यदि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एक मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी प्रश्न किए बिना रहते नहीं, आज शांत है बड़े। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कहिए। प्रभु जी, मैं सुन रहा था आप लोगों को, बहुत अच्छे ढंग से आप बता रहे प्रभु जी, तो उसको समझने का भी प्रयास करता हूँ, और जो बन पड़ता है प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा भक्ति का, साधना भक्ति के नियम का पालन करने का प्रयास करता हूँ। तो प्रभु जी, ये जिज्ञासा एक है, उत्कट अभिलाषा की बात आपने कही थी प्रभु जी, कि भगवत प्राप्ति के लिए उत्कट अभिलाषा बड़ा अनिवार्य शब्द है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता था, और ये प्राप्त कैसे होगा अभिलाषा प्रभु जी? और फिर आपने कहा एक और शब्द है कृपा, उसे जो है भगवत प्राप्ति होती है। किसे? दो शब्द, कृपा, आपने शायद कृपा बोला था, एक कृपा अभिलाषा और एक। जी जी प्रभु, मेरा अमेरिका जाने की बड़ी उत्कट अभिलाषा है, अमेरिका जाना चाहता हूं, बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर है मेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। तरीका क्या है? अमेरिकन एम्बेसी जाऊं, फॉर्म लूं, फॉर्म भरूं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगाऊं, नेसेसरी फीस लगाऊं और जमा करवा दूं। रिफ्यूजल आ गया, नहीं मिला वीजा, क्योंकि सैंक्शन वहां के जो एम्बेसडर है यूएसए का, उसके स्टाफ में जो उसका अथॉरिटी है, उसकी सैंक्शन आनी चाहिए। सैंक्शन आएगी तो वीज़ा मिल जाएगा। वो देखता है सैंक्शन करने में जो रूल्स रेगुलेशन है उनमें कहीं नुक्स है। मैंने फिर अप्लाई कर दिया, फिर रिजेक्शन आ गया, मैं परेशान हो गया कि भाई ये तो वीज़ा ही नहीं मिलेगा, और मेरी उत्कट अभिलाषा है अमेरिका जाने की, वीज़ा मिल नहीं रहा है। तो मुझे एक मित्र मिले, उन्हें कहा ऐसा है कि फलाने एजेंट के पास चला जा, वो एजेंट तेरा फॉर्म भरवाएगा, सारी कमियां पूर्ति कर देगा। एजेंट के पास गया, उन्हें फॉर्म लिया, डॉक्यूमेंट्स लिए, फीस जमा कराई, सारा फॉर्म अपने हिसाब से भरा एज पर रिक्वायरमेंट, और वीज़ा सैंक्शन हो गया। मतलब जो हाई कमिश्नर का ऑफिसर था उसकी सैंक्शन आ गई, उसने कृपा कर दी। हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, भगवान कहते हैं इनकम्प्लीट है, सैंक्शन नहीं आती, कृपा नहीं हो रही है, अभी इसको यहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, यहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, यहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो मैं एजेंट के पास जाता हूँ, एजेंट है गुरु, शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु। वो एजेंट मुझे बताता है कि भाई भक्ति कैसे करनी चाहिए, तुम अपनी भक्ति की डिस्कशन करोगे तो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे एजेंट को, अर्थात शिक्षा गुरु को बताओगे मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, वो आपको बताएगा यहाँ आपकी कमी, फिर उसको फॉलो करना है। हम लोग कहते हैं ये तो बोलते ही रहते हैं, हम कम इंटेलिजेंट हैं, अपनी मर्जी से चलेंगे, इनका काम तो बताना ही है, बोलना ही है। तो भगवान की कृपा नहीं हो पाती, भगवान की कृपा सैंक्शन तभी आएगी जब हम जो है प्रॉपर ज्ञान प्राप्त करके प्रॉपर तरीके से चलेंगे। तो एजेंट जो है, जो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, वो आपके गाइड हैं, कि आपको बताते हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, किस हिसाब से आगे चलना चाहिए, किस हिसाब से आप सक्सेसफुल होंगे। जब आप उस हिसाब से चलते हो तो भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान कहते हैं ओके डन, तथास्तु, जाओ, हो गया, यू हैव बीन सक्सेसफुल। ठीक है जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद।
और बताइए कोई है? हरे कृष्णा बाबू जी, आपको भी सिर्फ एक ही दिन सुनने को मिलता आपका लगते रोल, और किसी दिन नहीं होता। दोबारा कहिए प्रभु। मैंने कहा प्रभु जी का लेक्चर बीच में भी होता है, और प्रभु जी मैसेज डालते हैं ग्रुप में, अगर आप देखोगे तो प्रभु जी बीच बीच में कभी फ्राइडे कभी वेडनेसडे को क्लास होता है, प्रभु जी ग्रुप में डालते हैं, जिसको एसोसिएशन ग्रुप है तो उसमें डालते हैं, तो अगर आप आगे देखोगे तो आपको उसमें क्लास कर सकते हैं। अच्छा नहीं, इसी तुम लिंक पे? हाँ नहीं नहीं, इस लिंक पे नहीं, वो गूगल मीट पे होता है, गूगल मीट पे होता है वो, प्रभु जी लिंक डालते रहते हैं आप। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि ऑनलाइन लेक्चर करने के लिए मेरे पास दो प्लेटफॉर्म हैं, एक अपना और एक दूसरों का। अपना प्लेटफॉर्म मेरे पास है गूगल मीट, वो मैं करता हूँ बुधवार की शाम को 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक, उसमें मेरे लेक्चर का मैसेज आता है, गूगल मीट से मैसेज आता है, उसमें गूगल मीट में जाके जीमेल का एड्रेस डाल के जीमेल का पासवर्ड डाल के आपको लिंक करना है तो आप लेक्चर सुन सकते हो। हफ्ते में एक दिन सुबह भागवतम करता हूँ दुबई के लिए, उनका जूम का लिंक है अलग से, एक दिन करता हूँ भागवतम है इस्कॉन गुड़गांव 45 सेक्टर के लिए, उनका जूम का लिंक अलग है, एक दिन करता हूँ आपके लिए महिपालपुर में शाम को, इनका जूम का लिंक अलग है। तो तीन लेक्चर जूम पे होते हैं, वो तीनों जूम के लिंक अलग अलग हैं, हर एक टेम्पल का अपना लिंक है, दुबई ग्रुप का अपना लिंक है, गुड़गांव ग्रुप का अपना लिंक है, और महिपाल ग्रुप का अपना लिंक है, और मेरा लिंक जो है जूम पे ना होके गूगल मीट पे है, मैं गूगल मीट पे लेक्चर करता हूँ, एक घंटा करूँ, दो घंटे करूँ, तीन घंटे करूँ, मुझे कोई मतलब लिमिट नहीं है, 40 मिनट की लिमिट जैसे होती थी, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स खरीदे हुए हैं, परचेज किए हुए हैं, इसका मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं लोग। तो मैं जो अपना ग्रुप होता है उसका मैसेज अलग से आता है, दुबई ग्रुप का मैसेज अलग से आता है, गुड़गांव का मैसेज अलग से आता है, महिपालपुर का मैसेज अलग से आता है। आप जिसमें इच्छा हो उसमें ज्वाइन करिए, चाहे सबको ज्वाइन करिए, चाहे एक को ज्वाइन करिए, चाहे सबको ज्वाइन करिए, तो आपके सुनने की कैपेसिटी पे है, मेरी बोलने की कैपेसिटी है, मैं बोलता हूँ, आपकी सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आप सुनिए, बस सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, मैं तो सुनता रहूँ आपको सारा दिन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। काइंडनेस प्रभु जी, आपकी काइंडनेस है हमारे ऊपर, जो जो हमें आप आपका सुनने को मिल रहा है, हमारा बहुत कुछ चीज हो जाता है, हम तो पता नहीं कितना मतलब फंसे हुए हैं कंफ्यूजन में चीजों में, जो आप बिल्कुल डायरेक्ट दे रहे, एक डॉक्टर डॉक्टर पेशेंट को कर देते सेटिस्फाइड हो जाता है ना, वैसे ही आपसे सुन के बहुत सी चीजें सेटिस्फाइड हो पता चल जाती है कि हाँ ये पॉइंट को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, कि हम इसलिए बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई प्रश्न है या यहीं पे आप विराम दिया जाए? ठीक है, तो प्रभु जी ने इतना सुंदर प्रवचन दिया है, लोगों के क्वेश्चन भी इतने क्लियर, सबको सेटिस्फाई हो गए, तो हम लोग उनका धन्यवाद देंगे और जोर से बोलेंगे हरे।